दोस्तों चलो आज बनाते हैं मैगी। मैगी क्यों बना रहे हैं? क्योंकि परसों मुझे मेरी फ्रेंड ने मैगी खिलाई थी और उसने इतनी खतरनाक मैगी बनाई कि मेरा मन चल गया था कि वापस से अपने मैगी बनाएंगे। मैंने उससे टिप्स पूछी कि वो कैसे बनाती है, तो उसने मुझे अपनी टिप्स शेयर की, तो मुझे बहुत ज़्यादा काम की लगी कि बहुत काम की है। छोटी छोटी टिप्स है बट बहुत काम की लगी, तो मैंने सोचा चलो अपनी एक वीडियो बनाते हैं इसके ऊपर। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक प्याज ले लिया। इस प्याज को प्यारा प्यारा सा काट लिया। वैसे ज़रूरी नहीं है कि इसको ऐसे अच्छे से काटो, कई फ़र्क पड़ना है जाना, तो इसको पेट में ही है वैसे भी, कई फ़र्क पड़ेगा। फिर ले लेंगे एक टमाटर। टमाटर आपकी इच्छा उतने लो, एक लेना तो एक लो, दो लेना है तो दो लो। वैसे लाल टमाटर से अच्छे ये देसी टमाटर होते हैं, ये थोड़े खट्टे खट्टे से होते हैं, तो ये टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लेके आते हैं मैगी में। फिर मैगी में क्या आप सब्ज़ी में भी डालोगे तब भी ये बहुत काम के। तो अपने ने प्याज काट लिया, टमाटर काट लिया। अगर आपको मिर्च अच्छी लगती है तो आप मिर्च भी डाल लो, अगर लहसुन अच्छा लगता है तो लहसुन डाल लो, मटर अच्छा लगता है तो मटर डाल लो, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हो, क्योंकि मैगी में छूट होती है आपको। तो मैंने डाल दिया है प्याज, टमाटर और मटर, और मैंने यहाँ 3 पैकेट मैगी के लिए, क्योंकि आज सबको अपने मैगी खिलाएंगे। ये रख लिए अपने ने कढ़ाई। कढ़ाई में डाल देंगे अपने थोड़ा सा तेल। तेल में डालेंगे सबसे पहले जीरा, फिर डालेंगे राई और थोड़ी सी राई और, क्योंकि राई अच्छी लगती है यार, टेस्टी टेस्टी की। और इसमें गर्म होने पर डाल देंगे प्याज और थोड़े से मटर। इसमें हम डालेंगे मसाले। सबसे पहले मसाले में डाल दिया हल्दी, धनिया और मिर्च। और मिर्च जैसे थोड़ा ध्यान से डालना, क्योंकि मिर्च मसाले में भी होती है, इसमें भी होती है, तो फिर बहुत ज़्यादा डाल दोगे तो खाओगे ऐसे, तो अपने रिस्क पर ही मिर्च डालें। अब अपने इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। नमक भी ध्यान से डालना, नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा तो वही दिक्कत आ जाएगी अपने। अब अपने क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे पानी। अब सबसे पहली मैं टिप आपके साथ में यहाँ पे शेयर करती हूँ कि अगर आप जैसे तीन बना रहे हो पैकेट, तो पूरा 3 गिलास पानी मत डालना, 3 गिलास से कम पानी डालना। ये एक सबसे पहली टिप है, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी डाल दोगे तो मैगी गल जाएगी। दूसरी टिप मुझे मेरी फ्रेंड ने बताई थी, जो मुझे बहुत ज़्यादा काम की लगी, कि मसाला हमेशा लास्ट में डालना, ताकि इससे क्या होता है कि मैगी मसाले का टेस्ट बहुत अच्छे से आता है इसमें। तो मसाला डालेंगे सबसे लास्ट में, जब थोड़ा सा पानी रहेगा तब डालेंगे मैगी मसाला। ओके, और अगर आपके पास चीज़ है तो चीज़ ज़रूर डालना, चीज़ वाली मैगी बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो मैंने भी यहाँ खूब सारी चीज़ डाल दी है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बन के तैयार हुई थी ये मैगी। और कैसी लगी आपको ये 2-3 टिप? हाँ अच्छा, एक टिप और देना मैं भूल गई हूँ, वो है कि मैगी को कभी ढककर मत पकाना। ढककर पकाओगे तो वही मैगी गल जाएगी, तो गली में मैगी अच्छी नहीं लगती है। ये बन गई अपनी मैगी, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, घर में भी सबको इतनी अच्छी लगी मैगी। मैंने बनाया तो अच्छी तो होगी। तो कैसी लगी बताइएगा।